हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सारे काइस्ट फैमिली को हमारी ओर से और हमारी फैमिली की ओर से हैप्पी चित्रगुप्त पूजा। तो आज हमारे काइस्ट फैमिली का चित्रगुप्त पूजा है, जो चित्रगुप्त भगवान जिसने हमारा सारा लेखा जोखा, हमारा पुण्य, हमारा पाप, सारा वो लेखा जोखा, मतलब सारा वो हिसाब किताब करते हैं। जैसे हमारे सब हर चीज़ में हिसाब किताब होता है, तो वैसे वो ऊपर बैठ के सारे हिसाब किताब करते हैं। तो आज उनका चित्रगुप्त, आज उनका पूजा है। हमारे लाला फैमिली में ये चित्रगुप्त पूजा हर कोई करता है, जो भी लाला है, जो भी काइस्थ है, वो हर लोग ये पूजा करते हैं। मैं तो अभी राजस्थान में हूँ, तो मेरे यहाँ पर चित्रगुप्त पूजा घर पे होती है। उसके बाद फिर हमारे क्लब में पार्टी होती है, डांस कंपटीशन, बहुत सारा प्रोग्राम होता है, पार्टी होती है, खान पीन होता है, खाना मतलब लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब होता है। सारे काइस्थ फैमिली, सारे चंदा इकट्ठा करके उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो आज अभी मैं पतिदेव जी से भी चित्रगुप्त पूजा करवा रही, क्योंकि ये लड़कियां नहीं करती है, सारे घर के लड़के करते हैं। जैसे पापा हो गए, भैया हो गए, भाई हो गया, या फिर अभी मेरे हस्बैंड जी करेंगे, तो उनसे मैं चित्रगुप्त पूजा करवा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं वो प्रिपरेशन क्या क्या कर रहे हैं अपने से, खुद से। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कर रहे हैं वो और क्या नहीं। तो ये देखिए, यहाँ ये बैठ गए हैं। तो सबको चित्रगुप्त पूजा, उसमें से घी निकालना पड़ेगा आपको। घी अगर इसको रखें, इसको बटन को पीछे रखिए, पीछे पीछे रखिए। हमारे पास मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, हम मतलब कैसे रखें ये हमारा ऊपर पूजा हो जा रहा है, पूरा पश्चिम नहीं उत्तर दक्षिण हो जा रहा है, ये पूरा पश्चिम हमें रखना है। तो ये देखिए, तो ये हमारे चित्रगुप्त भगवान जी हैं। ये देखिए, इनके इतने सारे बच्चे हैं जो साइड साइड में खड़े हैं। और ये देखिए पति देव जी। तो थोड़ा बताइए चित्रगुप्त भगवान जी के बारे में, पति देव जी बता रहे थे चित्रगुप्त भगवान जी के बारे में, तो चलिए बताइए। इसमें आरती कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सफाई कर लीजिए। देखिए भगवान जी की जो कहानी है ना, वो मैं आपको बताऊंगा तो उतना आपको ये समझ में कम आएगा। तो अभी हम इनकी एक स्टोरी चलाएंगे जो आपको वीडियो में दिखाएगी। तो इसमें चित्रगुप्त भगवान जी का पूरा कहानी आपको बताया जाएगा, बचपन से लेके उनके विवाह तक, विवाह से फिर उनके बच्चों के क्या बारे में, उनके बच्चे कहाँ कहाँ जाके बच गए। नहीं नहीं, मैं आपको वो बोल रही हूँ, जिनको अगर इस पे इंटरेस्टेड है, जो भी इंटरेस्टेड है, तो वो चित्रगुप्त भगवान जी की यूट्यूब में सुन सकते हैं। तो ये हमारे वंशज हैं, हम इनसे ही क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं, हम इनसे ही पैदा हुए हैं। तो हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया, पर ये हमारे वंशज है, हमारे लाला ग्रुप फैमिली के वंशज है। तो चलिए आज पूजा होगा, तो मैं दिखाती हूँ आपको सारा पूजा का कैसे ये करते हैं। ये देखिए, तो ये पूजा कर रहे हैं। माचिस वहीं पर होगा, नहीं है? देखिए ये माचिस यहाँ है, फिर से आपको उठना पड़ेगा एक बार। ये रहा माचिस, ये रहा, दे दे को। ये लीजिए माचिस, और ये उतार लीजिए भगवान का, ये टीका वाला, इसमें इसे स्वास्तिक बनाना पेज में, ये वाला। हाँ ये, हाँ 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 हाँ, हो गया बस। अब स्टार्ट करो दूर से। सर में वो रखे, ठीक है। पहले भगवान जी को थोड़ा सा इसमें डाल के, नहीं तो पहले धूपकाठी नहीं जलाया जाता, पहले टीका लगाइए भगवान जी को, पानी थोड़ा सा। हाँ हाँ, किस हाथ से, किस उंगली से? इस उंगली से, इस उंगली से। ये ला। हाँ, ये तो कोई भी नहीं पता, भी याद दिलाता हूँ आपको। पता आपको तो कुछ नहीं पता है, आप इस बात का सोचिए ना। लगा दिए सर, टीका भी भगवान जी ने लगवा रहे, बोल रहे नहीं नहीं नहीं, टीका क्यों नहीं लगा अभी तक अच्छा से? पानी में लेकर करिए, तो पानी में हाथ में डुबाइएगा, थोड़ा साइड में पानी डाल दीजिए। बहुत अच्छे से लग गया। और चावल लड्डू वहाँ रखिए भगवान जी के पास, और पानी रखिए। तो अगरबत्ती है जलाने का, जल्दी अगरबत्ती, पहले अगरबत्ती सबसे लास्ट में जलाया जाता है। वो ये है, ऐसे थोड़ा बहुत पानी जो बचा रहता है ना, उस वही गिर रहा है। हाँ, तो सामने रखिए एकदम, और सामने यहाँ सटा करके नीचे, हाँ वहाँ रखिए, और उसी के सामने पानी रखिए। हाँ हाँ, चलिए अच्छी बात है। हाँ,
अगरबत्ती हो गया, आप दिया जलाइए। उसको थोड़ा बीच में दबाइए। हाँ ठीक है, गाइस आज हमारे घर में बनता है दाल, चना दाल भर के पूड़ी एंड खीर एंड सब्जी एंड पिट्ठा, सब कुछ बनता, पर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाने वाले क्योंकि कोई खाने वाला नहीं है, ऊपर से मेहनत भी बहुत है। इसलिए जब बहुत लोग खाने वाले होते हैं ना, 10-15 लोग, तो मज़ा आता है बनाने में, सब लोग मिल के बनाते हैं। ये तो लग रहा है पगड़ी पहन ली है। ओम चित्रगुप्ताय नमः, बोलिए। ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम नारायणे नमः। सबसे पहले तो गणेशाय नमः बोलने ही भूल गए। हे भगवान, सॉरी भगवान जी, खेल हो रहा है। पूजा मैं कर रहा हूँ ना, मैं जब इंटरनेट में जा रही हूँ, कहानी स्टार्ट करी मेरे फोन में। कहानी वानी नहीं सुनना है, श्लोक पढ़ना है, वो कहानी थोड़ी ना सुना जाता है। और एक काम करिए, अब इसमें इस पेज में हमें जो लिखना है वो लिखिए, लेकिन हम किसी को दिखा। तो फ्रेंड्स ये हम लिख करके आपसे बाद में मिलते हैं, क्योंकि ये हम एक प्राइवेट रखते हैं, किसी को दिखाते नहीं, ये हमारा रूल है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी। लाल धागा से बांध रहे, इनको अभी उतना पूजा करने नहीं पता है, क्योंकि हम मुझे भी नहीं पता, मैं अपने भाई से पूछी हूँ, तो उतना इनको भी नहीं पता है, तब धीरे धीरे आदत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा। और ना सुनिए ना, मोली धागा है ना, उससे ना भगवान जी को नहीं है हमारे पास माला ना, तो मोली धागा पहना दीजिए, बस उतनी थोड़ी है, बस माला जैसा पहना दीजिए। हाँ गुड, चलिए। बोलिए चित्रगुप्त भगवान की जय। चित्रगुप्त भगवान की जय। हाँ अपना टीका लगा लीजिए, भगवान को प्रसाद खिला दे पहले। भगवान जी का ठीक है, अभी प्रसाद खाएंगे। अभी नहीं छोड़ दीजिए, शाम को उठाइएगा। ठीक है, चलिए। तो हमारी पूजा हो गई फ्रेंड्स, तो देखिए छोटा सा ब्लॉग था हमारा पूजा का। तो चलिए हम आपसे बाद में मिलते हैं फिर से।